और ओलावृष्टि से खराब फसल का मुआवजा देगी सरकार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले, अधिकारियों को दिए गिरदावरी के आदेश। क्षतिपूर्ति पोर्टल पर खराब फसल का ब्यौरा दे किसान। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा का पूर्व सीएम मनोहर लाल परिवार, बोले बीजेपी का अहंकार सातवें आसमान पर। मनोहर लाल ने बीजेपी का विरोध करने वाले किसानों को बताया था सिरफिरे लोग। बीजेपी उम्मीदवारों का विरोध जारी, अब महेंद्रगढ़ में बीजेपी उम्मीदवार का विरोध। गांव सिहमा में किसानों ने चौधरी धर्मवीर सिंह को दिखाए काले झंडे। बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे दिग्विजय चौटाला, बोले नई बोतल में पुरानी शराब। आज भी मनोहर लाल चला रहे सरकार, किसानों के हक में बड़े आंदोलन की चेतावनी। हरियाणा के नेताओं पर चढ़ा चुनावी रंग, चुनाव प्रचार के दौरान दीपेंद्र हुड्डा बने हलवाई। रोहतक में पहले बनाई जलेबी, फिर निकाला खोया। दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले अंदरूनी कलह ने कांग्रेस को कमजोर कर दिया। अंदर खाते कमजोर होना ही उनके पतन का कारण बनेगा। बीजेपी के 400 पार वाले नारे पर भी किया कटाक्ष। चरखी दादरी में खड़े ट्रक से टकराई कार, हादसे में कार सवार तीन दोस्तों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। ट्रक चालक पर लापरवाही से ट्रक खड़ा करने का आरोप। सोनीपत में डाक पार्सल ट्रक में की जा रही थी शराब तस्करी, कई राज्यों तक फैला है अवैध शराब तस्करी का काला कारोबार। सोनीपत क्राइम यूनिट ने किया गिरोह का भंडाफोड़, तीन आरोपी गिरफ्तार। जालंधर में पंजाब कांग्रेस को डबल झटका, चन्नी को टिकट देने से पूर्व सांसद संतोख सिंह की पत्नी ने छोड़ी कांग्रेस। करमजीत कौर बीजेपी में हुई शामिल, तो वरिष्ठ नेता तेजिंदर सिंह भी बीजेपी में हुए शामिल। किसानों ने खडूर साहब में बीजेपी उम्मीदवार मंजीत मन्ना का किया विरोध। चुनाव प्रचार के दौरान गाड़ी का किया घेराव, पुलिस और किसानों के बीच हुई हाथापाई। 1984 दंगों को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर किया वार, बोले सिखों से आज तक 1984 के बदले ले रही है कांग्रेस, पर एनडीए ने सिख पंथ के लिए किए कई काम। पटियाला में चॉकलेट खाने से बिगड़ी 1.5 साल की बच्ची की तबियत, 6 महीने पहले ही एक्सपायर हो चुकी थी चॉकलेट। शिकायत मिलने पर हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम ने की रेड। हरियाणा प्राइम देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है, आप सभी के साथ मैं हूं सुजाता कंवर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। किसानों के लिए ये अहम खबर है, आपको बता दें हरियाणा में किसानों को मुआवजा मिलेगा। फसलों का जो भी नुकसान हुआ है उसका भरपाई जो है अब सरकार करेगी। सीएम नायब सिंह सैनी ने इसकी घोषणा कर दी है। बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई सरकार द्वारा की जाएगी। जल्द ही क्षतिपूर्ति पोर्टल को खोला जाएगा, सीएम नायब सिंह सैनी ने इसकी घोषणा कर दी है। सीएम सैनी आज करनाल पहुंचे थे जहां उन्होंने खराब फसलों का जायजा लिया। इंद्री के धमनहेड़ी गांव पहुंचे थे सीएम नायब सिंह सैनी। सीएम नायब सिंह सैनी ने किसानों से भी इस दौरान मुलाकात की है, तो मुआवजे का मरहम जो है वो सरकार किसानों पर लगाएगी। बारिश और ओलावृष्टि से करनाल में बहुत नुकसान हुआ था, जो खड़ी फसलें थी गेहूं की उसका भी नुकसान हुआ, तो जो मंडी में फसलें थी उनका भी नुकसान हुआ। तो इसके बाद सीएम सैनी आज करनाल पहुंचे जहां उन्होंने जायजा लिया और मुआवजे का मरहम लगाया है किसानों पर। ये घोषणा की है कि ओलावृष्टि और बारिश से जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जो है सरकार द्वारा की जाएगी। खबर पर ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी हिमांशु नारंग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, सीएम ने मुआवजे का मरहम लगाया है किसानों पर, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, करनाल के इंद्री में पहुंचे थे सीएम नायब सैनी।
कोई कार्यक्रम नहीं था इंद्री पहुंचने का, उनका कार्यक्रम था करनाल में पहुंचने का। लेकिन कल जिस तरीके से ओलावृष्टि होती है, फसलों का नुकसान होता है, सीएम नायब सैनी ने वहां पर जाना उचित समझा। उन्होंने कहा कि हमने कल ही क्षतिपूर्ति जो पोर्टल थे वो खोल दिए हैं और साथ ही साथ किसी जगह पर पटवारी को भेजा है, किसी जगह पर कानूनगो को भेजा है, किसी जगह तहसीलदार को भेजा है और किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, किसान का दर्द हमारा दर्द है। हालांकि 25 मई को चुनाव है, उससे पहले इस तरीके की बयानबाजी अक्सर देखने को मिलती है। किसानों से बातचीत करते हुए नजर आए, फसलों का जायजा लिया, हालांकि वो मंडी में नहीं गए, गांव में गए हैं। ये कहा जा सकता है कि जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो करनाल के इंद्री में हुआ, क्योंकि कल आधे से पौने घंटे तक लगातार ओलावृष्टि होती है, बारिश होती है और बहुत सारे किसान ऐसे थे जिन्होंने अपनी फसल की भी कटाई नहीं की थी। कई किसानों ने अपनी फसल की कटाई करके मंडी में ले गए थे। अब देखना यह होगा कि क्या 25 मई से पहले मुआवजा मिल जाता है या फिर ये मुआवजे की बातों तक सीमित रहती है। अभी भी उनके करनाल में दौरे चल रहे हैं। अब किसान उम्मीद लगाए बैठा हुआ है सरकार से, प्रशासन से, कि जल्द से जल्द मुआवजा आए और फिर अगली फसल की वो तैयारी कर सके। लेकिन जो इंद्री से तस्वीरें सामने आई थी, अनाज मंडी की तस्वीरें हमने देखी, काफी ज्यादा नुकसान हुआ, पूरी जो फसल रखी थी वो सारी की सारी भीग गई, इसको लेकर किसी तरह का बयान सामने आया मुख्यमंत्री का? बिल्कुल, उन्होंने साफ आज जब वो करनाल के इंद्री के धमनहेड़ी गांव में पहुंचते हैं तो उन्होंने कहा कि किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, पहले भी किसानों के साथ सरकार खड़ी रही है और अब भी एकदम खड़ी है। और ये इस बात पर उन्होंने जोर दिया कि जैसे ही इस बात की जानकारी मिली कि करनाल और आसपास के जितने भी इलाके हैं हरियाणा के जहां पर नुकसान हुआ है ओलावृष्टि से, बारिश से फसलों का, वहां पर हमने प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश दे दिए हैं कि वो मौके पर जाएं, फिजिकल इंक्वायरी करें, गिरदावरी करें और उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार करें। उम्मीद है 3 से 4 दिनों के अंदर एक रिपोर्ट पूरे हरियाणा की तैयार हो जाएगी कि कहां कहां पर कितना नुकसान हुआ है, किस खेत में कितना नुकसान हुआ है और उसी के हिसाब से फिर किसानों के लिए मुआवजा बनाया जाएगा। जी, शुक्रिया हिमांशु ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो मुआवजे का मरहम जो है वो किसानों पर लगा है। आपको बता दें कि फसलों के जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई अब सरकार द्वारा की जाएगी। सीएम नायब सैनी ने इसकी घोषणा कर दी है और मुआवजे की जो मरहम है हो सकता है कि वो 3 से 4 दिनों में इसके ऊपर जो है वो काम कर दिया जाए। मैं आज उस क्षेत्र का दौरा किया है, मैंने कल ही इस बात के आदेश कर दिए थे कि जो क्षतिपूर्ति पोर्टल है उसको खोला जाए और हर गांव के अंदर आज हमने सभी में कहीं पटवारी को भेजा है, कहीं कानूनगो को भेजा है, कहीं तहसीलदार को भेजा है। एक भी गांव ऐसा नहीं है जिस गांव के अंदर पटवारी, कानूनगो या तहसीलदार ना हो। वो फिजिकल भी जा करके जो नुकसान हमारे किसान का इस ओलावृष्टि के कारण हुआ है ताकि उसकी भरपाई की जा सके, उसके हमने आदेश दिए हैं। और हमारे किसान को इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले भी सरकार किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी थी और अब भी किसानों के साथ खड़ी है। वहीं करनाल पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी ने अभय चौटाला पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अभय चौटाला जो है वो जनता में विश्वास खो चुके हैं। सीएम सैनी ने ये पूरी बात अभय चौटाला के बारे में कही। उन्होंने कहा कि अब वो किसी को भी समर्थन देते हुए फिर रहे हैं। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर भी सीएम नायब सिंह सैनी ने बात की और कहा कि जो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को अगर ये लगता है कि उनके समर्थन देकर गलती हुई है तो उन्हें अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहिए। वो जन का विश्वास खो चुका है। अब वो कभी किसी को समर्थन देता हुआ घूम रहा, कभी किसी को समर्थन देता हुआ घूम रहा। दे ले भाई, तेरे पास जो कुछ है या तो भी दे ले और क्या। दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं जो हमने साथ दिया था वो हमारे से गलती हो गई। गलती हुई है फिर उसको पश्चाताप उनको करना चाहिए, उनको करना चाहिए उसका पश्चाताप अगर उनसे कोई गलती हुई है। परंतु हम ये कहते हैं कि मनोहर लाल जी के कार्यकाल में
क्योंकि उनका कार्यकाल भी देखा है, जिस प्रकार का कार्यकाल उनका रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने विकास की एक नई गति दी है, विकास की एक नई दिशा। वहीं बीजेपी सरकार पर दिग्विजय चौटाला जमकर बरसे हैं। हरियाणा में उन्होंने मुख्य सरकार बदलने पर कहा कि बोतल बदली है लेकिन शराब पुरानी ही है, आज भी सरकार मनोहर लाल ही चला रहे हैं, मनोहर लाल के इशारे पर हरियाणा को लूटा जा रहा है, तो ये बड़े आरोप लगाए हैं दिग्विजय चौटाला ने। उन्होंने साथ ही साथ कहा कि सरकार ने सरसों खरीद में एजेंट को बैठा दिया, अब आढ़तियों पर GST थोप कर उनकी कमर तोड़ी जा रही है। इसके साथ साथ उन्होंने चेतावनी दी कि JJP प्रदेश व्यापी आंदोलन करेगी अगर उठान जल्दी नहीं किया गया फसलों का। तो सरकार पहली बार GST का बोझ आढ़तियों पर डालकर सरकार ने आढ़तियों की कमर तोड़ने का प्रयास किया है और इसका सीधा सीधा नुकसान जो है वो किसानों को, मजदूरों को मंडियों में हो रहा है। अभी भी आप देख रहे हो ढेरी की ढेरियां मंडी में यूं की यूं पड़ी है। सरकार सोई हुई है, केवल जुम्मा जुम्मा दुष्यंत चौटाला को मंत्री हटे हुए 2 महीने ही हुए हैं और इतने में ही फर्क साफ नजर आ रहा है। और खरीद ठीक तरीके से अगर सरकार ने शुरू नहीं की तो जननायक जनता पार्टी प्रदेश व्यापी आंदोलन इसके खिलाफ चलाएगी और प्रत्येक मंडी के अंदर खड़े होकर हमारे कार्यकर्ता अपना रोष किसानों के साथ, आढ़तियों के साथ, मजदूरों के साथ व्यक्त करेंगे। नायब सैनी हरियाणा का चरणजीत सिंह चन्नी बनकर गहरी नींद सोया हुआ है, उसे उठना होगा और किसानों की दुख तकलीफ को, परेशानियों को पहचानना होगा। मुखौटा बदला है, वो कहते हैं बोतल बदली है, शराब वही पुरानी है, मनोहर लाल खट्टर ही सरकार चला रहे हैं, ये सच्चाई है और मनोहर लाल खट्टर के इशारे पर ही हरियाणा प्रदेश को लूटा जा रहा है। इसलिए इस गूंगी बहरी सरकार को दोनों हाथों से हरियाणा की जनता उखाड़ फेंकेगी। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने भी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी का अहंकार सातवें आसमान पर है, आज किसानों के बारे में उनके नेता जैसी भाषा बोल रहे हैं ये इनकी किसानों के प्रति मानसिकता है, तभी बीजेपी का गांव के अंदर विरोध हो रहा है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा था कि जो लोग बीजेपी का विरोध कर रहे हैं वो सिरफिरे लोग हैं, विरोध से बीजेपी को फायदा हो रहा है। ओम लाल जी लगातार अहंकार से बड़े हैं, जब ये प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब भी इसी प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते थे। जब किसान आंदोलन कर रहा था तो आपने देखा नहीं, अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे थे कि डंडे उठा लो जैसे को तैसा। इनके राज में पहली बार हरियाणा प्रदेश में जातीय दंगे, इनके राज में पहली बार पुलिस की गोली से लोग मरे, हजारों करोड़ की संपत्ति नष्ट हुई। जो कोई महिला रोजगार मांगने के लिए अपने बच्चों के लिए तो कहने लगा कि चांद पे भेज देंगे, कोई वर्कर इनके मुकुट बनाने लगा कहने लगा प्रोसेसर काट देंगे। तो इनका अहंकार बहुत सातवें आसमान पे चढ़ा हुआ है और एक बार फिर इनकी जो मानसिकता इनकी जुबान पे आ गई कि किस प्रकार किसानों के बारे में इस प्रकार की भाषा बोलते हैं। वहीं पूर्व मंत्री निर्मल सिंह ने अम्बाला शहर अनाज मंडी का दौरा किया, किसानों की समस्या को जाना। निर्मल सिंह ने इस दौरान अधिकारियों से बातचीत की और कहा कि मॉइस्चर को लेकर दिक्कत है, मंडी में उठान नहीं हो रहा है जिससे किसानों को परेशानी हो रही है। मॉइस्चर की है, काफी नुकसान इसमें किसान को पड़ रहा है और यहाँ मंडियों में जगह नहीं है ताकि खोल के थोड़ा सुखा सके, थोड़ा मॉइस्चर शुरू में आता है लेकिन जगह हो तो उसको थोड़ी सी हवा में ठीक हो जाता है वो, और वो कारण है कि सामान उठ नहीं रहा जो जिनसे वो उठ नहीं रही, जैसे कि इनके पास स्पेशल लगती हैं वो उनकी कमी है। मैंने आज ये बात की है यानी DFC से भी करी है, SDM से भी करी है, SDM कहता हम सेक्रेटरी से बात कर रहे हैं, पर वो आए भी थे, अब मैं कमीशन से करूँगा तो देखते हैं कोई हल निकालेंगे, उसका तो तरीका यही है। और छोटी छोटी भी समस्याएँ हैं, जैसे ही उन्होंने कह दिया कि इनके जो मजदूरों के उनके खातों में डालेंगे, वो तो एडवांस लेके जा लेंगे, फिर खातों में से कहाँ ही उनसे रिकवरी करेंगे गरीब आदमियों से। रुक करेंगे अगली खबर का। परिवहन मंत्री असीम गोयल ने कांग्रेस पर तंज कसा, उम्मीदवारों की लिस्ट में देरी होने पर गोयल ने कहा कि कांग्रेस से
कोई टिकट नहीं चाहता है। वहीं गोयल ने राहुल गांधी पर भी जमकर निशाने साधे। जिसको हुड्डा जी देना चाहते हैं उसको शैलजा जी मना कर देती है, जिसको शैलजा जी टिकट देना चाहती है उसको किरण चौधरी जी मना कर देते हैं, जिसको किरण चौधरी जी देना चाहते हैं उसको सुरजेवाला साहब मना कर देते हैं, और ऊपर जिसको राहुल गांधी टिकट देना चाहता है प्रियंका गांधी मना कर देती है, और जिसको प्रियंका गांधी देना चाहते हैं उसको सोनिया गांधी मना कर देती है, और जिसको सोनिया गांधी जी टिकट देना चाहते हैं खड़गे साहब कहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष तो मैं हूँ भैया मेरी भी छोड़ दो उसको वो मना कर। अब राहुल बाबा भी छोटे बच्चे की तरह मस्त है कांग्रेस चाहे भारत। जिस आदमी को बड़ी बड़ी पार्टी मिली केंद्र के अंदर सरकार थी कितने राज्यों में सरकार थी आज जहां जहां चरण पड़े राहुल बाबा के तहां तहां बटा धार केंद्र से तो चली गई राज्यों में भी गिनती के बाकी सारा सुपड़ा साफ कर दिया। भैया देखो मैं तो एक निवेदन करता हूं जो आदमी अपनी पार्टी जो पूर्वजों ने पार्टी बनाई उसको नहीं संभाल पाया तो देश को क्या संभाल पाएगा फैसले आप। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। चरखी दादरी में भीषण सड़क हादसा हुआ है, खड़े ट्रक से तेज रफ्तार कार टकरा गई, कार सवार चार दोस्तों में से तीन की मौत हो गई, एक दोस्त की हालत गंभीर है जिसका रोहतक पीजीआई में इलाज चल रहा है। सभी एक ही गांव के रहने वाले थे, शादी समारोह से वापस लौट रहे थे और ट्रक चालक पर लापरवाही का आरोप लगा है क्योंकि जो ट्रक था उसे बीच सड़क पर कुछ आधा खड़ा कर दिया गया था, ट्रक का आधा हिस्सा सड़क की तरफ था और दूसरा और आधा हिस्सा नीचे की तरफ, तो लापरवाही का आरोप जो है वो ट्रक चालक पर लगा है। जिस इस पूरे हादसे में चार दोस्त गाड़ी में सवार थे और जिसमें से तीन की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है जिसका इलाज चल रहा है। दो ढाई बजे के लगभग एक खड़े ट्रक के अंदर एक गाड़ी सियाज टकरा गई और जिसमें तीन बच्चों की तो डेथ हो गई है, एक के हालात अभी सीरियस हैं जिसको रोहतक रेफर किया हुआ है और अभी जो परिवार के साथ में और जो पुलिस कार्रवाई वो की जा रही है उसके FIR लॉज करके जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। जी हाँ, ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज हो गया क्योंकि उसने अपनी गाड़ी को रोड पर खड़ा किया हुआ था, एक टायर उसका रोड पर था एक साइड में था। ये ट्रक जो था ऑन द रोड खड़ा था, आधा रोड पर था आधा बाहर था, अचानक आगे से गाड़ी आई उसकी लाइट पड़ी, लाइट पड़ते ही उनका अनबैलेंस हो गया, अनबैलेंस होकर जाके ट्रक में गाड़ी ठुक गई है। ये ट्रक वाले की गलती ही है जिसने ट्रक ने आधा रोड पर गाड़ी खड़ी कर रखी थी, इस कारण ये एक्सीडेंट हुआ है। इसमें ऑन द स्पॉट तीन बंदों की डेथ हो गई है, बाकी थोड़े से घायल हैं वो भी उसमें एडमिट है। और अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। आपको बता दें कि चरखी दादरी में मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई, थ्रेशर में फंसने से मजदूर की मौत हुई है। गांव डालावास का रहने वाला था मजदूर, गेहूं निकालते हुए ये दर्दनाक हादसा हुआ है और मजदूर का शरीर का ऊपरी हिस्सा मशीन में कट गया। मजदूरी कर परिवार का गुजर बसर ये मजदूर करता था और दर्दनाक मौत हुई है, थ्रेशर में हाथ फंस गया, उसके बाद जो है शरीर का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से कट गया जिसके बाद मजदूर की मौत हो गई। मजदूरी करने के लिए खेत में गया हुआ था तो वो जाके थ्रेशर पर काम कर रहा था तो अब उसका हाथ फिसल गया और वो थ्रेशर के अंदर चला गया, उसका दर्द नीचे नीचे का बचा है एक हाथ है। मौके वारदात पर पुलिस पूछी थी, उसने देखा छानबीन करी बाद में दादरी भेज दिया। और चरखी दादरी से सातवीं कक्षा के बच्चे की पिटाई का मामला सामने आया है, आरोप स्कूल टीचर्स पर लगे हैं। गांव मंदौला का ये पूरा मामला है, बच्चे की पिटाई के बाद परिजनों ने खूब हंगामा किया, स्कूल का गेट बंद कर दिया गया और स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और मामले की उचित कार्रवाई का भरोसा परिजनों को दिलाया। मैम ने मेरे वो लेटा के मारा, एक ने हाथ पकड़ रखा था, मैम ने ऐसे कर किया तेरे हेयर स्टाइल देख, तो तेरे शर्ट के बटन खोले होते हैं तो स्कूल में ऐसे करता है। कोई दिक्कत नहीं थी मैडम, ये किसी लड़के के साथ खड़ा था तो वो बोलता है कि ये लड़के के साथ आसकी मारता है और इसको एक बच्चे को पकड़ के और पिटाई की गई है जिसकी रिकॉर्डिंग अगर स्कूल के कैमरे लगे हुए हैं तो उसकी देखी जाएगी कैसे पिटा गया इसको।
ठीक है, और फिर समझौता करने पर वो कहते हैं कि आप कई डायरेक्टर को बुला लो, हम तो ऐसे ही पीटेंगे। फिर सुबह हम आदमपुरा और डाडी की दोनों गांवों के सरपंच और पंचायत को लेके गए हैं। और सोनीपत के मुरथल स्थित दीन बंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आज छात्र छात्राओं ने वाइस चांसलर के दफ्तर के बाहर जमकर बवाल काटा और विश्वविद्यालय के प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वाइस चांसलर के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने वाले मैनेजमेंट विभाग के छात्र छात्राओं का आरोप है कि उनके विभाग में पीने के पानी की किल्लत है और पंखे तो काम ही नहीं कर रहे, बल्कि उनसे फीस एसी क्लास की भरवाई गई है। जब भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से बात की जाती है तो केवल आश्वासन ही दिया जा रहा है। हमारी बिल्डिंग में ना, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की बिल्डिंग में एक हफ्ते से पानी नहीं आ रहा, हमने 4 दिन हो गए एप्लीकेशन देते, कोई सुझाव नहीं कर रहे। चेयरमैन सर से बात करते हैं, चेयरमैन सर कहते हैं हम जाके बात करेंगे, आपकी आगे पहुंचा दिया है, कोई उस पर कुछ काम नहीं हुआ। आज इसलिए हम आगे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कौन सा विभाग है, कहाँ पानी है? डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ है। सबसे ज़्यादा शायद हम फीस देते हैं यहाँ पे, और हमारी हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हम सबसे पहले जाके अपने चेयरमैन से मिल चुके, अपने डीन, सुविधाएं आपको नहीं दी जा रही है ना हमारी बिल्डिंग में पानी आ रहा है, ना ढंग से लाइट आती है, लिफ्ट नहीं चल रही है, फैन खराब है, एसी नहीं चलता है। सारी हमारी अधिकारी क्या कह रहे हैं आप? अधिकारी से जाके बात करते हैं, वो सिर्फ ये कहते हैं कि हम आपकी बात आगे पहुंचा देंगे, उस पर काम करेंगे, पर कोई काम नहीं होता। क्लासेस में एसी अवेलेबल है, चल नहीं रहे, एक भी ना पिछले साल चले ना इस साल चल रहे। पानी की दिक्कत है, सुबह आता है 1 घंटा बस ठंडा, फिर बंद कर देते हैं। आप पानी टैंकर जाके खोल लो, इतने दे दो, उसमें मतलब गंदगी भरी है। हमने खुद खोल के देखा नीचे, वो सामने वाला है, हमने खुद खोल के देखा नीचे, पानी नहीं आ रहा। हमने 4 दिन हो गए सर को एप्लीकेशन देते, माँ सर पानी दो पानी दो, हर बार ही कहते हैं कि हमने एप्लीकेशन आगे भी सर को दे दी। सर अब हमारे चेयरमैन हो की ड्यूटी होती है कि आगे वो करना, आगे तो बोला हमें भी सर को बोल दिया। क्यों बोल दिया भाई, ये तो हमें बोल दो कि हम जाए भी सर के पास, बोल ही देता, हम खुद आए भी सर के पास। वहीं पानीपत रिफाइनरी में बड़ा हादसा हुआ है, पाइप के नीचे दबने से युवक की मौत हो गई। हाइड्रा से पाइप उतारते वक्त ये बड़ा हादसा हुआ, पाइप के नीचे दबने से युवक को गंभीर चोटें आई। पानीपत से पहले उसे पानीपत के निजी अस्पताल में ले जाया गया, उसके बाद दिल्ली की तरफ रेफर किया गया, लेकिन मौके रास्ते में ही जो है युवक की वो मौत हो गई। बिहार के बेगूसराय का रहने वाला था ये युवक। आपको बता दें कि ये हादसा पानीपत में हुआ है, रिफाइनरी में ये दर्दनाक हादसा हुआ। रिफाइनरी में पाइप के नीचे युवक दब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। माल उठाने के माल रख रहे थे, उसको बाहर पाइप पीछा। किस चीज से पाइप उठा रहे थे? हैदरा से। अच्छा, फिर क्या हुआ? हैदरा से पाइप उठा के नीचे रख रहे थे, उसको बाद में पाइप पीछा। और उसके नीचे उसको नीचे उसको पैर आने के बाद में उसको पूरा लेने चले थे। मौके पर डेथ हो गई थी जी? तो हॉस्पिटल में लाया।